नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए समान हिंदी को कवर किया गया है, जिसमें 30 क्वेश्चन को कवर किया गया है। इसमें अगर आप 25 सही देंगे तो आपका लगभग चांस है कि आपका हिंदी का जो पोर्शन है वो बिल्कुल पास हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दूँ, अगर आपने मेरे चैनल इंडियन स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो एक बेल आइकन बनकर आएगा, इस बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। और दोस्तों किसी भी क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए केवल आपके पास अब 5 सेकंड का समय है, क्योंकि हिंदी का पोर्शन है इसलिए कम समय है। पहला क्वेश्चन है आपका, हृदयहीन का विपरीतार्थक शब्द है हृदययुक्त, सहृदय, निर्दय या साहसी। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी सहृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्णिमा शब्द का विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द बताने हैं आपको इन सभी के, विभावरी, निशीथ, अमावस्या या कालिमा। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पूर्णिमा का काफ़ी सरल है, अमावस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जा सकती हैं, स्वर, व्यंजन, वर्ण या अक्षर। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द से पहले आएगा, शासन, स्वर, श्याम या श्रमिक। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी श्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही वर्तनी कौन सी है यानी कि सही वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है, विद्या निवास मिश्र या विद्या निवास मिश्र, कौन सा सही लिखा है ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी विद्या निवास मिश्र। सही वर्तनी इसमें भी आपको बताना है, नृत्यांगना, पूजनीय, केंद्रीयकरण या शुभेच्छुक। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी पूजनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तैरने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है, तितीर्षा, तितिक्ष, तृप्ति या त्रिवेणी। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए तितीर्षा। जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो उसके लिए एक शब्द बताने हैं आपका, तृप्त, तृप्ति, तृष्णा या तृष्णा। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए तृप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न प्रश्नों में से किसी शब्द के चार चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें एक ही विकल्प तत्सम शब्द है, आपको तत्सम शब्द का चयन करना है यानी आपको इसमें से तत्सम शब्द बताना है। दोस्तों तत्सम तद्भव की एक मेरे पास बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, अगर आप वो ट्रिक जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। बिल्कुल ऐसी समझ लीजिए रामबाड़ा ट्रिक है कि अगर मैंने वो 5 पॉइंट अगर आपको समझा दिए तो आप उंगलियों पे तत्सम तद्भव को पहचान लेंगे। 49वां क्वेश्चन है आपका, आशा, आलस्य, आस या आदेश। तो इसमें आपको तत्सम छांटना है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए आशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कटुक, कसाय, कपूर या कर्पूर। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा तत्सम में, सी कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आक का तत्सम शब्द क्या है, अकौगा, अर्क, अकर्ज या ऑर्क। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी अर्क। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम दोनों या कारक। तो विशेषण जो है किसकी विशेषता बताते हैं, दोनों की विशेषता बताते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह क्या कहलाता है, विशेषण, विशेष, प्रविशेषण या विधेय। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के दोष कितने भेद होते हैं दोस्तों, बहुत होते हैं आपके, 4 भेद होते हैं विशेषण के, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है, टिकाऊ, गुजराती, लंबा या प्रतीक। तो गुणवाची विशेषण कौन सा नहीं है, डी प्रत्येक। पतला, सच्चा, सारा या गीला, इसमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है ये आपको बताना है, पतला, सच्चा, सारा या गीला। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा,
सी सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोना का पर्यायवाची क्या है ये आपको बताना है, रजत, ताम्र, हाटक या अनल। तो सोने का पर्यायवाची क्या है दोस्तों, सी हाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजा शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है, करवाल, रंक, भूप या दिप, दिव्य। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी भूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुनर्लेखन शब्द कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है, पुनर, पुनर, पुरस या पुरा। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी पुनर, हलन लगाए इसमें। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आ, रा, आर या सार। डी सार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है, मही प्लस इंद्र, नदी प्लस ईस, बधु प्लस उत्सव या ये सभी। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये सभी ही सही हैं। चौकोर शब्द में कौन सा समास है, जिसने मेरी समास की वीडियो देखी होगी वो बिल्कुल आसानी से बता देगा, द्वंद, द्विगु, तत्पुरुष या अव्ययी भाव। तो चौकोर शब्द में कौन सा है दोस्तों, द्विगु समास, क्योंकि पहला जो शब्द है वो संख्यावाचक है। ठन ठन गोपाल में कौन कौन सा मुहावरा का अर्थ बताइए, धनवान, खोखला, शक्तिशाली या बना ठना नवयुवक। तो ठन ठन गोपाल का मतलब क्या होता है दोस्तों, बी खोखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कनक कनक तय सौ गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है, संदेह, यमक, अनुप्रास या लाट अनुप्रास। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पचासों बार पढ़ा कनक कनक तय सुनो, तय सौ गुनी मादकता अधिकाय में यमा का अहंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औंधी खोपड़ी उल्टा उल्टा मत, विचारों के अनुसार ही आचरण होता है, जैसा व्यक्ति वैसा विचार, या विचारों से ही संसार बनता है, या मूर्ख व्यक्ति की राय प्रायः गलत होती है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी मूर्ख व्यक्ति की राय जो है प्रायः गलत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वोदय का संधि विच्छेद आपको बताने हैं, सर्वा प्लस उदय, सर्व प्लस उदय, सर्वो प्लस दय या सर्वो प्लस उदय। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी सर्व प्लस उदय। आत्मनिर्भर में किस समास का उदाहरण है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुव्रीहि। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, दया, घटना, जड़ता या बुढ़ापा। पुल्लिंग आपको बताना है, दया, घटना, जड़ता या बुढ़ापा। तो पुल्लिंग हो जाएगा आपका बुढ़ापा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, यानी कि स्त्रीलिंग नहीं है तो वो पुल्लिंग हो सकता है या नपुंसक लिंग हो सकता, आय, आयु, आग या आंगन। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी आंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी नहीं है, अमीर, आदमी, आदत या अफसर। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी अफसर। अफसर शब्द जो है दोस्तों वो आपका अरबी शब्द नहीं है। तो दोस्तों ये थे आपके 30 क्वेश्चन जो कि मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। ठीक है दोस्तों, अब चाहे आपके चाहे जितने सही हों, चाहे 10 हों, चाहे 15 हों, चाहे 20, चाहे 25 और पूरे 30 भी हो सकते हैं, तो आप ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि अब मैंने मटेरियल बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है आप लोगों के लिए, क्योंकि संभवतः 18 से 19 जून को एग्ज़ाम हो जाएगा। इसलिए मैंने देख लीजिए, अभी मैं 15, 20 और 25 क्वेश्चन कवर करता था, अब मैंने बिल्कुल थोड़े बढ़ा दिए, 30 कर दिए। आने वाली वीडियो में 40, 50 और पूरी ये आपको 100 तलक पूरा प्रैक्टिस सेट का जो क्राइटेरिया होता है वो आपको पूरा इसी वीडियो में मिल जाया करेगा। कोई भी चैनल इतने अच्छे से तैयारी नहीं करवा रहा है दोस्तों, इसलिए आप इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल की बिल्कुल सही तरीके से तैयारी, बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी मैं करवा रहा हूँ। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना स्टडी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।